पूरा तू अभी तक बना रहा यार। एक काम करेंगे भैया, अभिषेक तिवारी, हम लोग दो बार सीटेट, एक बार टेट पास कर चुके हैं और हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं और सुपर टेट का विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन विज्ञापन आ नहीं रहा है। मंत्री जी का इसके पहले यही बयान था, जब 69,000 की भर्ती पूर्ण हो जाती है बेसिक में मैं 51,112 प्लस पद आने की संभावना का आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी कोई भर्ती नहीं आई। लगातार टेट सीटेट का फॉर्म भराया जाता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा, और यही UP SSC में पेट का पेपर हो सकता है, चुनाव हो सकता है, भर्ती का विज्ञापन नहीं आ सकता है। सरकार से यही निवेदन कर रहे, बेरोजगारों की बात सुने, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। बाल इसलिए मुड़वा दिए कि COVID-19 जैसे वैश्विक महामारी में हम लोग धरना दे नहीं सकते, अगर हम लोग धरना देंगे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाएगा, इसलिए हम लोग शांतपूर्ण तरीके से हम लोग यही मांग रख सकते हैं। इसलिए हम लोग यही पूरे प्रदेश में एक व्यापक मुंडन अभियान चलाए हैं, ये 2 जून से 30 जून तक चलेगा। आज प्रयागराज से इसका शुभारंभ हो गया, हर जिले के प्रशिक्षु इसी तरीके से मुंडन अभियान करा के सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करेंगे और मीडिया कवरेज देंगे, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुँचे कि हम 10 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और हमारी यही एक मांग है, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती दें और हम लोग को रोजगार मिले, और 1.5 से 2 लाख पद बेसिक में खाली हैं, तब भी सरकार पद नहीं दे रही है। मंत्री जी लगातार आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर मंत्री जी कॉल किया जाता है कट कर देते हैं, हमारी कोई मांग नहीं सुन रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, 2 साल से बेरोजगार है, अब हम किससे मांग करें भाई? अगर हम अपने विधायक मंत्री के पास भी जाते हैं हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, किससे हम कहें अपनी बात? हमारे पास यही एक विकल्प बचा कि मुंडन करा के इस अभियान की शुरुआत करें। हमारे कुछ भाई साथ दिए और मुंडन कराए हैं, और सुल्तानपुर मनोज यादव भी आकर ये भदोही से आके मुंडन अभियान कराए हैं, और सरकार से फिर मांग करेंगे हमारी बात सुने, नहीं हम लोग 10 लाख प्रशिक्षु हैं, हम अपनी हमारे यहाँ हर फैमिली 10 परिवार हैं, हम लोग आगामी चुनाव में बताएंगे, अभी हमारी मांग सुना जाए, बस यही निवेदन करना चाहेंगे। नहीं सुनी जाएगी, COVID-19 जैसी वैश्विक स्थिति खराब होगी, हम लोग लाठी खाने के तैयार हैं, बेरोजगार से अच्छा है, भुखमरी से अच्छा है हम लाठी खा लेंगे, हमें जेल ले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, अपने लिए रोजगार चाहिए। पर्चे अभिषेक तिवारी, 18 वैसे डीलर, प्रदेश अध्यक्ष। 8 लाख लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे, क्योंकि सरकार 69,000 के भर्ती के बाद कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं कि हम लोग कि आश्वस्त हों कि भर्ती आएगी, क्योंकि लगातार 6 महीने सरकार का बचा और सरकार कोई भी भर्ती की बात नहीं कर रही, जबकि वह हर प्रक्रिया कर रही है। शिक्षा मंत्री जी हमारे कहते हैं वेतन देना पड़ता, अरे हमारे शिक्षा मंत्री अपने भाई को EWS के तहत प्रोफेसर पद की नौकरी दी और हम लोग लगातार भर्ती मांग रहे हैं, तो सरकार हमें भर्ती क्यों नहीं दे रही? योगी सरकार से हमारी यही मांग है कि 97,000 भर्ती दे, क्योंकि हम प्रशिक्षु कोई अगर प्रशिक्षु मुंडन सर का करवाता उसके माता पिता का डेथ हो या घर में होता, लेकिन हम लोग भर्ती के लिए आज इस संगम तट से अपने सर का मुंडन करवा के भर्ती का आह्वान करते हैं, और प्रदेश सरकार से 2 जून से लेकर 30 जून तक लगातार आह्वान करेंगे, और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम विधानसभा पर इसका आह्वान करेंगे, जहाँ हमें वहाँ लाठी ही खाना पड़े। राहुल यादव, BTC छात्र नेता।